आगे ये एक छोटी सी खूबसूरत सी गली बनी हुई है, ये देखें फूल खिले में। ये दूसरी गली का माहौल है, और यहाँ पे सेब बहुत ज्यादा है हर तरफ, वहां पर तो, लेकिन उस जगह पर घर बना हुआ है, मैंने ब्लैक कलर के सेब तोड़ने थे वहां पर। ये गेंदे के फूल खिले हुए हैं यहाँ पर, वो बच्चा एक आवाजें लगाता हुआ आ रहा है। क्या हाल है? ठीक है। ना सारा दरख्त के अंदर घिरा हुआ है। अभी ये सेब का आपको पौधा दिखाऊं, कितने ज्यादा इसके ऊपर सेब लगे हुए हैं। नजदीक हो जाता हूं, ये देखें कितने प्यारे प्यारे सेब लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये देखें सेब के पौधे के साथ मेरी पहली वीडियो, नहीं दूसरी वीडियो, वो जो वीडियो बनाई थी वो और थी, और ये वहाँ पर तो थोड़े थोड़े सेब थे ना। ये देखें यहाँ पर एक एक ही दरख्त पर ये सब्ज रंग के सेब लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर सुरख रंग के सेब लगे हुए हैं। ये देखें कितने, एक मैं तोड़ देता हूँ, ये सेब है, ठीक है। खूबसूरती है यहाँ की, ये मेहमान नवाज लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं पाकिस्तान के इस वक्त आहरी गांव में बैठा हुआ हूँ, और ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त बन गए अभी, शाकर अली इनका नाम है, बहुत अच्छे इंसान है वो। उन्होंने मुझे घर से देख लिया था कि एक अजनबी सा बंदा आया हुआ है, तो आकर उन्होंने मुझे वेलकम कहा है। जिस तरह मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज, मोहब्बत करने वाले और खुश इखलाक हैं, ये इसी तरह ही है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ यहाँ कोई अजनबियत नहीं है मेरे लिए। अच्छा शाकर भाई जान, आप ये बताएं कि ये जो खुदाबाद की आबाद है ना, खुदाबाद की आबादी कितनी होगी? खुदाबाद की तकरीबन 250 से 300 घराने हैं। 250 से 300? अच्छा 250 से 300 घराने हैं इस गांव में। और कोई स्कूल, हॉस्पिटल है या? स्कूल इधर दो स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक डीजे स्कूल है। अच्छा, बाकी डिस्पेंसरी है छोटा सा। अच्छा। बाकी बड़ा हॉस्पिटल उधर सोस में पड़ा है। सोस आगे है इससे? 10 मिनट का रास्ता है उधर उस तरफ। ठीक है ठीक है। अच्छा वहाँ नीचे से? हाँ जी सही है। तो आप जब सर्दी होती है तो यहाँ पर बर्फबारी होने शुरू? बर्फबारी इधर पूरे हर जगह में पड़ी रहती है। हम लकड़ी जमा करते हैं। अच्छा। फिर लकड़ी जमा करके हम फिर बुखारी लगाते हैं, फिर कोयले भी जलाते हैं। अच्छा। हाँ जी, आपकी सर्दियाँ तो बहुत, लेकिन आप यहाँ के मुकामी, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी? जैसे मुझे, हमारे लिए तो बर्फबारी ऐसे ही है जैसे एक ना आधा घंटा घंटा हम देख लें तो हम खुश, उसके बाद हम नहीं समझते कि हमारे लिए बर्फबारी अच्छी चीज। हाँ जी। आपने तो तकरीबन किस महीने से शुरू हो जाती है और किस महीने तक रहती है? इधर मार्च फरवरी तक रहती है बर्फ। अच्छा। बर्फबारी बाकी अभी नवंबर दिसंबर में शुरू होती है। अच्छा, नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाएगी और फरवरी तक रहेगी। हाँ जी। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और आप कोई हमारी पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ पैगाम, मोहब्बत का पैगाम देना चाहें कि अपने इलाके के बारे में बताएं कि ये खूबसूरत इलाका है, लोगों को आना चाहिए, पुरअमन इलाका है ये। मैं एक अमन का पैगाम लेकर निकला हूँ। तो आपने अपने घर से निकले, एक अपनी मतलब कि अमन का मतलब कि आप हर जगह देखने के लिए निकले? मैं इसलिए निकला हूँ कि मैं लोगों को एक पैगाम दे सकूँ कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इखलाक वाले हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं। मैं पैदल इसलिए चलता हूं कि लोगों को दिखा सकूं कि यहां पर कोई क्राइम नहीं है। क्राइम कुछ नहीं, गिलगित-बल्तिस्तान है, पूरा क्राइम ही नहीं है जी। तो यही मेरा पैगाम है, अमन का, मोहब्बत का पैगाम है, मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ इनके साथ मिलकर। ये गिलगित-बल्तिस्तान के लोग है, बहुत इखलाक करने वाले लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर आप इधर आते हैं तो आप कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, नहीं होगी।
इंशाल्लाह ताला ना चोरी ना डकैती कोई किस्म का, इखलाक वाले लोग हैं, मोहब्बत करेंगे, मेहरबानी करेंगे आप लोगों की इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों तो जब आए तो ये जरूर करें कि इनके इलाके में गंद मत फैलाएं। हाँ बिल्कुल, सफाई का खास ख्याल रखें जी। ये पाकिस्तान में सफाई का खास ख्याल रखें जी। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी आपने गपशप सुनी है मेरे न्यू दोस्त से, नंबर शंबर हमने एक दूसरे को ले दे लिया है। जिंदगी में कभी मौका मिले तो खिदमत का मौका हमें भी देना चाहिए। अगर कोई ये लोग हमारे इलाके में आते हैं तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। ये देखें घर के अंदर चार दीवारी के अंदर कितने खूबसूरत गेंदे के फूल खिले हुए हैं। ये पता नहीं गेंदा है कि क्या है, लेकिन हैं बड़े खूबसूरत। और यहाँ से अभी मौसम भी थोड़ा थोड़ा ना ठंडा हो रहा है, मुझे ना थोड़ी थोड़ी सर्दी भी महसूस हो रही है और दिल करता है कि यहाँ से चला जाए। ये देखे एक छोटा सा कमरा पीछे बना हुआ है, ये इसी तरह के पत्थरों के घर बने हुए हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं। ये पता नहीं किस चीज, ये एक खुबानी का भी दरख्त है। आगे देखते हैं कोई और मिलता है तो। अभी वो सामने पहाड़ों पर धूप थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से अब नीचे उतरना चाहिए क्योंकि ठंड भी हो रही है थोड़ी जरा जरा, और मैंने अपने ऊपर कपड़ा चादर भी कोई नहीं ले रखा। ये दरख्त लंबे लंबे से ये यहाँ की वादिया हुंजा की पहचान है, मैं जहाँ पर भी गया हूँ। ये मेरा दोस्त अभी फिर दोबारा दूसरी गली से सामने आ गया, तो अभी इससे गप शप करता नीचे जाऊंगा। पुराने शॉप। अच्छा, ये वो चक्की है दूसरे वाले। अच्छा अच्छा, ये शॉप्स बनी हुई हैं और ये अभी बंद होती हैं क्योंकि यहाँ पर काफी पुरानी और वहाँ पर चक्की हुआ करती थी। अभी भी अंदर चक्की है, लेकिन वो बंद। अच्छा, वो किस से चलती थी चक्की? वो बिजली से चलती है, बिजली वाली चक्की है वो। बिजली वाली चक्की है, ठीक है, चलो सही है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी जगह देखते हैं देखने वाले। ये ऊपर होटल को बना हुआ है? नहीं जी, ये घर है। सही, ये घर बना हुआ है। ये पत्थर की दीवारों के ऊपर कितने खूबसूरत लग रहे हैं पौधे। अभी मेरा दोस्त साथ होली गया है तो उसने कहा है थोड़ी सी आपको सैर करवाता हूँ, तो इस बहाने से सैर भी हो जाएगी, गपशप भी लग रही है। ये यहाँ पर खेत थे पहले गंदम के, अभी गंदम के खेत खत्म हो गए। वो आप मुर्गियां चरती हुई दाना चुग रही हैं। ये देखें वहां पर आलू की फसल भी लगी हुई है, ये पालक भी है, छोटे छोटे जानवर भी हैं। यहाँ ये भेड़ का बच्चा है। चले, ये जाफरान का पौधा है और इसके ऊपर ये जाफरान लगी हुई है। ये इसी इलाके में पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। एक केजी 20,000। 20,000 का एक केजी है ये जाफरान। और यहाँ पर जाफरान काफी तादाद में काश्त किया जाता है, लेकिन सारे इसी तरह ही काश्तकारी करते हैं। अच्छा, अभी ये इंडियन में है। अच्छा, ये येलो टाइप का होता है शुरू शुरू में, फिर उठाते हैं, फिर निकलता है, फिर निकलता है, फिर इसी तरह इसी तरह। ठीक है, शुरू में इससे भी येलो फुल येलो होता है। अच्छा, अभी ये तकरीबन खत्म हो गया, फिर लास्ट में ये रेड होता है। ठीक, ये एंडी नहीं इसका। सही है, ये अभी तोड़कर तो मार्केट में बेच देगा। हाँ जी, अभी इसके अंदर दाना लगेगा, अभी उठा के फिर नेक्स्ट साल में लगाएंगे तो फिर दाना निकलेगा। ठीक, फिर लगेंगे। सही है, ये जी जाफरान भी आप देख लें, जाफरान की फसल है ये। थोड़ी सी मैंने जिंदगी में पहली बार जाफरान की फसल देखी है, तो मेरा दिल किया है कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इस तरह का जाफरान होता है, इस तरह का पौधा होता है और इस तरह ये लगते है। आप कहाँ पर इसे बेचते हैं? हम मार्केट में बेचते हैं जी। अच्छा, मार्केट में आप लोग इसे बेचते हैं, ठीक हो गया। इसको साये में हम सुखाते हैं। साये में सुखाना पड़ता है? और साये में सुखाया तो मतलब कि इसके अंदर जो ताकत है वो ताजा ही रहता है, धूप में सुखाते हैं तो फिर वो खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो सही है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये अभी मेरे दोस्त मुझे बता रहे हैं कि ये जो छोटा छोटे दाने हैं ना ऊपर लगे हुए जो अभी उतार रहे हैं, ये जूस इनका बनाया जाता है और बीपी और शुगर के लिए ये बहुत मुफीद होता है और ये बहुत महंगा होता है। अच्छा, ये यहाँ की इस इलाके में ये पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशलिटी है। अच्छा, ये आप ऐसे भी खा सकते हैं? हाँ, इसी तरह भी खा सकते हैं, कड़वे हैं। अच्छा, हाँ जी, मैं भी खा कर देखता हूँ। आप भी खा ले दो तीन दाने, चेक कर ले। कड़वे हैं, कड़वे।